हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जयपुर पिंक पैंथर्स वर्सेस पटना पायरेट्स के बीच में होने वाले नेक्स्ट वीवो प्रो कबड्डी मैच के बारे में। तो गाइस, ये है 106 मुकाबला प्रो कबड्डी सीजन 10 का, जो कि खेला जाएगा त्यागराज इंडोर स्टेडियम दिल्ली में। दिन का पहला मैच है जो कि रात को 8 बजे से खेला जाएगा। एक तरफ है टेबल टॉपर्स यानी रैंक 1 टीम जयपुर पिंक पैंथर्स और दूसरी तरफ है रैंक 6 टीम पटना पायरेट्स। टोटल 12 टीमें हैं टूर्नामेंट में, ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 6 पे है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो अब तक 17 मैच खेल चुकी है जयपुर की टीम, जिसमें से इन्होंने जीते हैं 12 मुकाबले, टाई हुए 3 मुकाबले और हारे हैं मात्र 2 मुकाबले। तो 17 में से सिर्फ 2 मैच हारे हैं, टेक्निकली 3 ड्रॉ करे हैं और 12 मुकाबले जीते हैं 17 में से, और यही 18 में से 8 मैच जीते हैं पटना पायरेट्स की टीम, जो कि एक तरीके से देखें तो 50% मैचेस को ही विन नहीं करा है पटना की टीम ने। तो पटना की टीम जो है जयपुर के सामने काफी कमजोर टीम है। अब देखना होगा इस मैच में क्या होता है। एक्सपेक्टेशन तो यही रहेगी कि जयपुर डोमिनेट करेगा, क्योंकि वो नंबर 1 है और अभी तक सिर्फ टूर्नामेंट में 2 मैचेस हारी है। और वहीं अगर हम पटना पायरेट्स को देखें तो इन्होंने 18 में से 8 मैच जीते हैं, 3 मैच इनके भी ड्रॉ हुए, बट बाकी के जो 7 मुकाबले हैं ये हारे हैं। तो टेक्निकली ये टीम ज्यादा स्ट्रांग है, इसी पे ज्यादा फोकस करना। फाइनल टीम का जो भी अपडेट होगा, मतलब जब भी आप देखते हो कि कुछ चेंजेस होते हैं टीमों में, तो हम आपको जो अपडेटेड टीम देते हैं, टीम में जो चेंज करके देते हैं, वो आपको कबड्डी एक्सप्रेस के टेलीग्राम चैनल पे दे देते हैं मैच टाइम पे ही, ठीक है, मैच शुरू होने के जस्ट पहले। तो कबड्डी एक्सप्रेस का जो टेलीग्राम चैनल है उससे आपको जुड़ना बहुत जरूरी है। कैसे जुड़ेंगे? सबसे आसान तरीका है कि इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में चले जाइए, सबसे ऊपर मेरा कमेंट है जिसमें सबसे ऊपर आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो सबसे ऊपर मेरा कमेंट है, उसी में एक जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो इस चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। साथ ही साथ उस लिंक के नीचे एक और लिंक है बैट बॉय 11 की। बैट बॉय 11 फैंटेसी ऐप है जहां पे आप मैचेस वगैरह खेल सकते हैं, क्रिकेट के भी, कबड्डी के भी, फुटबॉल के भी, बास्केटबॉल, तो बहुत सारे स्पोर्ट्स कवर्ड है। आप यहां पे कबड्डी के मैचेस को जरूर एंजॉय कीजिएगा, काफी कम एंट्री फी है। साथ ही साथ जो भी लोग रेफर कोड FX लगा के साइन अप करेंगे बैट बॉय 11 ऐप पे, उनको बोनस, फ्री एंट्री, एक्स्ट्रा गिव अवेज वगैरह मिलते रहेंगे, डिस्काउंट वगैरह जो है टाइम टू टाइम। तो अगर आप रेफर कोड FX लगाएंगे तो आपको वो चीजें मिलेंगी। तो जल्दी कीजिए, कोड FX लगा के आज ही बैट बॉय 11 साइन अप कीजिए दिए गए लिंक से। बात करते हैं इस मैच की, तो सबसे पहले हम देखेंगे जयपुर की रेडिंग कहां से कितनी होती है और पटना का डिफेंस जो है उसमें कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट है। जयपुर की पिछले मैच में जो रेडिंग हुई जयपुर पिंक पैंथर्स की, वो 39% रेडिंग लेफ्ट से हुई, जिसमें वी अजीत ने काफी रेडिंग करी और अच्छे खासे टच पॉइंट लेके आए थे, ठीक है। तो 39% ऑफ द रेडिंग वी अजीत करेंगे लेफ्ट साइड से। राइट साइड से कितनी रेडिंग होगी? राइट साइड से इनके मेन रेडर अर्जुन देशवाल और भवानी राजपूत मिलकर 61% रेडिंग कर रहे थे पिछले मैच में, बट आमतौर पर ये जो परसेंटेज है 75 से अप भी चला जाता है। अर्जुन देशवाल बहुत अच्छे प्लेयर हैं और आपको पता है जब इनका फॉर्म चलता है तो टीम की 50% से ज्यादा रेड तो अकेले खुद ही कर जाते हैं। तो ये जो परसेंटेज है 61 का, ये कभी भी बढ़ सकता है, ये बहुत ही कम है। 61% राइट रेडिंग जयपुर की अगर आप देखें तो ये बहुत कम मैचेस में ऐसी होती है, वरना मोस्ट ऑफ द मैच में 70-75% का जो है आंकड़ा आप देखते हैं राइट रेडिंग में जयपुर का। तो ये वाला जो सेक्शन है ये ज्यादा क्राउडेड होगा और इस सेक्शन में सबसे ज्यादा रेडर्स मूव करेंगे। कौन कौन से रेडर हैं इस तरफ? अर्जुन देशवाल है जो कि टीम के मेन रेडर है। इसके बाद कौन है? भवानी राजपूत है। उसके बाद कौन है? अभिजीत मलिक और शुभम शेलके। शुभम शेलके, अभिजीत मलिक को तो बहुत लिमिटेड मैचेस में खेलने को मिलता है, मेन मैचेस में आप देखते हैं हर बार अर्जुन देशवाल खेल जाते हैं, 50% ज्यादा अकेले रेडिंग करते हैं। भवानी समटाइम्स ठीक ठाक रेडिंग करते हैं, समटाइम बिलो एवरेज रेडिंग करते हैं, सो भवानी एक एवरेज पिक होंगे। ये देखिए, ये आप जो रेडिंग रेशो देख रहे हैं ये 75% के आसपास ये लोग मिलकर बनाते हैं, जिसमें मोस्टली मैक्सिमम रेडिंग तो अर्जुन देशवाल की होती है। अब यहां से डिफेंस कैसा होगा? डिफेंस में सबसे पहले आपको यहां पे मिलेंगे अंकित, अंकित के साथ आपको मिलेंगे संदीप कुमार। अंकित और संदीप कुमार की फर्स्ट चेन ऑफ डिफेंस होगी। अंकित को बहुत बेनिफिट है क्योंकि इसी साइड से जयपुर की मैक्सिमम रेडिंग होती है। पिछले मैच में भी काफी अच्छे फॉर्म में थे अंकित, तो 7 सक्सेसफुल टैकल करके गए थे, तो अंकित की फॉर्म धीरे धीरे सुधर रही है और कृष्ण धूल की फॉर्म धीरे धीरे खराब हो रही है। तो ये चीजें देखने को मिल रही है। शुरुआत में कृष्ण धूल अच्छा कर रहे थे, अंकित खराब कर रहे थे, बट अब अंकित अच्छा करने लगे, कृष्ण धूल थोड़ा सा परफॉर्मेंस खराब कर रहे हैं। पिछले मैच में तो एक भी टैकल नहीं कर पाए थे शायद, तो इनकी साइड पर रेडिंग भी कम है, इनको एडवांस जाकर टैकल करने पड़ेंगे। अंकित की साइड से रेडिंग है, सो अंकित को बेनिफिट ज्यादा होगा। यहां पर आपको मंजीत कैप्टेंसी करते देखेंगे और ये विदाउट एनी चेन खेलेंगे। फिर आपको बाबू एम और मयूर कदम की जोड़ी देखने को मिलेगी। पिछले मैच में मयूर कदम कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए क्योंकि सामने से रेडिंग लेफ्ट में थोड़ी ज्यादा थी। मयूर कदम को इस मैच में काफी बेनिफिट है क्योंकि राइट रेडिंग ज्यादा है और मयूर कदम शुरुआती मैच बहुत अच्छे खेले, एक आधी मैच इनका बिगड़ा है, सो मयूर कदम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, यहां से मयूर कदम और यहां से अंकित जो है ये इन रेडर्स को फंसाएंगे आपस में। फिर यहां पे सुधाकर एम आएंगे और उनके साथ थर्ड चेन ऑफ डिफेंस में कृष्ण धूल होंगे, ये आखिरी चेन होगी और इसमें कृष्ण धूल काफी दूर होंगे इन रेडर्स से, तो इनको पास जाने के लिए एडवांस जाना ही पड़ेगा। सो कृष्ण धूल को थोड़ा सा आगे बढ़ के खेल
खेलना पड़ेगा इंडियडस को पकड़ने के लिए। क्रिशन धूल इस टीम के आप देखें तो इस साल के सबसे बढ़िया डिफेंस प्लेयर साबित हुए, और उसके बाद अगर आप नजर डालेंगे तो अंकित जो है वो काफी टैलेंटेड प्लेयर है। तो दो प्लेयर जो है ये बहुत ही अच्छा खेले लॉन्ग टर्म में, और इसके अलावा मयूर कदम की जो एंट्री हुई पिछले कुछ मैचेस में वो भी दमदार खेले हैं। बाकी बाबू एम की परफॉर्मेंस एवरेज रही है इस सीजन, और बाकी प्लेयर्स तो बाहर भी हो गए। सो आप पूरी कहानी समझ गए, जयपुर की डाइट रेटिंग ज्यादा होने की वजह से अंकित को बहुत ज्यादा बेनिफिट है, मयूर को बेनिफिट है, और क्रिशन धूल को एडवांस टैकल करने पड़ेंगे। तो ये चीज आप समझ गए, अब हम आगे चलते हैं। बाबू एम को आप छोड़ सकते हैं, उनके जोन में रेडिंग नहीं है, आप देख सकते हैं उनके एंगल्स उस साइड बनेंगे, उस साइड पर रेडिंग कम है। अब हम बात करते हैं पटना की रेडर्स के सामने जयपुर का डिफेंस कैसा होगा। पटना की पिछले मैच में कहां से कितनी रेडिंग हुई, 5% रेडिंग उनकी हमने लेफ्ट साइड से देखी मात्र, उससे ज्यादा रेडिंग उनकी हुई नहीं लेफ्ट साइड से। सुधाकर एम बहुत ही कम रेडिंग करके गए पटना पायलट्स की तरफ से, जबकि स्टार्टिंग 7 में खेले थे। उनकी रेडिंग करी किसने, सचिन तनवर तो पिछला मैच खेले नहीं थे, तो कौन रेडिंग कर रहा था, सबसे ज्यादा रेडिंग कर रहे थे संदीप कुमार, और ये बीच बीच में अच्छा भी खेले हैं। इनको टीम ने भले ही स्टार्टिंग 7 में कम मैचेस खिलाए, बट सब्स्टिट्यूट में आके इन्होंने सबसे अच्छी रेडिंग परफॉर्मेंसेस दिया है। तो संदीप कुमार आपके लिए मेन रेडर की तरह वर्क करेंगे, सेकंड मेन रेडर मंजीत मान लीजिए, वैसे है तो मेन रेडर मंजीत, बट परफॉर्मेंस संदीप ज्यादा अच्छा करके जा रहे हैं। 95% ऑफ द रेडिंग हमने पटना पायलट्स की लास्ट मैच में राइट साइड से देखी थी, तो इसी साइड पे आपको ज्यादा क्राउड देखने को मिलेगा, इसी साइड पे ज्यादा रेडर्स होंगे। तो अगर सचिन तनवर खेलेंगे तो वो भी इसी साइड पे रेडिंग करते हैं, इसके अलावा मंजीत दाहिया भी इसी साइड पे रेडिंग करते हैं, संदीप कुमार भी इसी साइड पे रेडिंग करते हैं, और रोहित जी ये भी इसी साइड पे रेडिंग करते हैं। तो बहुत सारे रेडर्स हैं और अप्रॉक्सीमेटली 95% से 100% ही रेडिंग यहाँ पे कर देते हैं। अगर सुधाकर एम ने थोड़ी ठीक ठाक रेडिंग डाली तो ये परसेंटेज कम हो सकता है, बट मोस्टली ये परसेंटेज यहाँ पे अप ही होगा। तो ये वाला सेक्शन क्राउडेड होगा एनी कंडीशन, हर कंडीशन में। तो किसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, अंकुश जूनियर को, क्योंकि अंकुश जूनियर यहीं पे है फर्स्ट चेन ऑफ डिफेंस में वी अजीत के साथ, ठीक है, ये फर्स्ट चेन ऑफ डिफेंस में रहेंगे, और इसी साइड से आप देख रहे हो ज्यादा रेडिंग भी। और अंकुश आपको पता है टीम के सबसे जबरदस्त डिफेंडर है, पिछले साल भी सबसे बेस्ट डिफेंडर थे, और इस साल भी देखे तो रीजा मीर और अंकुश ने मिलकर टीम के लिए सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिए। देखिए यहां पे फर्स्ट चेन ऑफ डिफेंस में अंकित और वियजीत होंगे, फिर आपको अर्जुन देशवाल देखने को मिलेंगे विदाउट एनी चेन खेलेंगे, फिर रीजा मीर बगेरी और सुनील की आपको जोड़ी देखने को मिलेगी, जिसमें सुनील के पास काफी चांस होगा क्योंकि उनके साइड पे रेडिंग है, राइट कवर है सुनील अपनी टीम के, तो सुनील इंपॉर्टेंट होंगे इन रेडर्स के सामने। और रीजा मीर बगेरी ये थोड़े से कम इंपॉर्टेंट होंगे, बट इस साल परफॉर्मेंसेस इन्होंने अच्छे किए, ठीक है। सुनील के पास ज्यादा चांसेस मैच में, अंकुश और सुनील के बीच में आपको पता है सारे रेडर्स फंसने वाले, मोस्ट ऑफ द रेडर वहीं पे रहते हैं। फिर भवानी राजपूत और साहुल जो है वो आपको आखिरी चेन ऑफ डिफेंस में देखने को मिलेंगे, तो साहुल और भवानी, ठीक है, साहुल को एडवांस टैकल्स करने पड़ेंगे, उनको थोड़ा आगे बढ़ के अग्रेसिव मोड में खेलना पड़ेगा, वैसे वो अग्रेसिव मोड में खेलते ज्यादातर मैचेस, तो साहुल जो है वो एडवांस टैकल्स करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए इस मैच में अंकुश राठी होगा, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं क्योंकि उसके साइड पे रेडिंग है और वो टीम का बेस्ट डिफेंस भी है, तो ये प्लेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनील की इंपॉर्टेंस आज ज्यादा है, और साहुल की इंपॉर्टेंस आप कह सकते हैं कि अगर ठीक ठाक खेले एडवांस टैकल ठीक कर लिए तो वो भी इंपॉर्टेंट होंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, अंकुश और सुनील, उनको पहले पिक कीजिएगा, ठीक है। आप समझ गए सारी कहानी, पटना की राइट रेडिंग हैवी होने की वजह से अंकुश राठी और सुनील इंपॉर्टेंट होंगे, साहुल थोड़े इंपॉर्टेंट होंगे, रीजा की इंपॉर्टेंस आज थोड़ी सी कम हो सकती है, बट ये टीम ओवरऑल बहुत अच्छा खेलती है, तो जितने प्लेयर आप इसके ले सके उतना आपके लिए बढ़िया होगा। अब बात करते हैं टीमों की, तो देखिए सबसे पहले हम टीम बनाएंगे पटना फेवरेट, पटना फेवरेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है क्योंकि पटना टीम पॉइंट्स टेबल में भी अगर आप देखें तो नंबर 6 की टीम है, टोटल 12 टीमों में नंबर 6 रैंकिंग है, और जयपुर फेवरेट जब आप टीम बनाएंगे तो वो टूर्नामेंट की नंबर 1 टीम है, उनको सिर्फ टक्कर जो है पुनरी पलटन दे पाते हैं और कोई नहीं दे पाता, तो पटना और जयपुर इसके चलने के चांसेस ज्यादा होंगे, इसके चलने के चांसेस थोड़े से कम होंगे, बट हम हर टाइप से टीम बनाते हैं तो पटना फेवरेट भी देख लो। पटना फेवरेट अगर आप टीम बनाएंगे तो आपकी टीम में उनके मेन रेडर होने चाहिए, मेन रेडर अभी मैं मान रहा हूं संदीप कुमार को क्योंकि वो टीम के लिए सबसे बेहतर खेल रहा है, हालांकि मंजीत दाहिया फर्स्ट रेडर है बट संदीप कुमार अच्छा खेल रहा है, अंकित भी अच्छा डिफेंस कर रहे हैं, क्रिश्चन धूल ने लॉन्ग टर्म में अच्छे डिफेंसिस कर रहे हैं टीम के लिए, और मयूर कदम ने शॉर्ट टर्म में अच्छा किया है। तो इस 4 प्लेयर में से आई थिंक कम से कम 3 तो चलने चाहिए, अगर पटना को जीतना है इनमें से 3 को तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा, बल्कि 4 करेंगे तभी शायद जयपुर को टक्कर दे पाए। अब जयपुर अगर खराब भी खेलेगी तब भी अर्जुन देशवाल परफॉर्म करके जा सकते हैं, सुनील परफॉर्म करके जा सकते हैं, और अंकुश जूनियर, क्योंकि इन्हीं की इंपॉर्टेंस टीम में सबसे ज्यादा है, तो ये हाई रेटेड प्लेयर्स आपको पिक करने ही करने हैं। और पटना फेवरेट मान रहे हो तो उनके कैप्टन संदीप कुमार और अंकित में से किसी को भी रख सकते हो या क्रिशन धूल को भी रख सकते हो, ठीक है, ये कुछ ऑप्शन हो जाएंगे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के पटना की तरफ से, कौन कौन, संदीप कुमार, अंकित और क्रिशन धूल, मैंने अंकित को कैप्टन और वाइस कैप्टन संदीप कुमार को रहा है। अगर पटना जीती है तो ये टीम अच्छा कर सकती है बट चांसेस कम है। जयपुर फेवरेट टीम में हमने क्या किया है, मैक्सिमम
रेगुलर हमने जयपुर के ले लिए, सबसे पहले उनके मेन रेडर अर्जुन देशवाल ले लिए, सीधा कैप्टन कर दिया, फिर सुनील कुमार और अंकुश को टीम में जगह दी, इनके बीच में सबसे ज्यादा रीडिंग होगी। एडवांस टैकल करेंगे साहुल, उनको अपने टीम में पिक करा, और रीजा मीर वगैरह जो लॉन्ग टर्म में टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं उनको टीम में पिक करा है। दूसरी टीम से हमने सिर्फ पिक करा है अंकित को और संदीप कुमार को। क्रेडिट का भी इशू था तो संदीप कुमार के अलावा आप चाहें अगर कृष्ण धुल को लेना तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि उनके क्रेडिट बहुत ज्यादा हाई है, सो आपको संदीप कुमार को ही यहां पे लेना पड़ेगा। जयपुर फेवरेट टीम ये होगी। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी अपने हिसाब से रखिएगा, मैंने कैप्टनसी अर्जुन देशवाल और वाइस कैप्टनसी अंकुश जूनियर को दी है। अटेम्प्ट्स वाली टीम की बात करें तो अटेम्प्ट्स वाली टीम में आपके पास अंकित और मयूर कदम पहले आ जाएंगे और सुनील और अंकुश राठी आ जाएंगे क्योंकि इन्हीं के बीच में सबसे ज्यादा रीडिंग होने वाली है, और फिर बाकी प्लस में आप उन दोनों टीमों के मेन रीडर्स अर्जुन देशवाल, संदीप कुमार और इवन वी अजीत भी आजकल बहुत अच्छा कर रहे हैं, सो उनको हमने टीम में जगह दी है। तो ये अटेम्प्ट्स ओवर फॉर्म वाली हमारी टीम बन गई, ये थर्ड टीम है हमारी। अब एक आखिरी टीम और बना लेते हैं, ये हमने बनाई है फॉर्म ओवर अटेम्प्ट्स, यानी हम इसमें अटेम्प्ट्स नहीं देखेंगे, फैंटेसी पॉइंट देखेंगे, यानी 17 मैच ये टीमें खेल चुकी हैं, तो उन मैचेस में सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट किन्होंने दिए, शॉर्ट टर्म में भी वो हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अच्छा परफॉर्म करने वाले मयूर कदम है, लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करने वाले अंकुश जूनियर, रीजा मीर वगैरह, कृष्ण धुल है, सुनील कुमार, अर्जुन देशवाल और अंकित है। तो इस टाइप से आपकी एक टीम बनेगी फॉर्म वाली टीम। इसमें कैप्टन मेरे अर्जुन देशवाल है क्योंकि फैंटेसी पॉइंट सबसे ज्यादा इन्हीं के हैं, और सेकंड हाईएस्ट फैंटेसी पॉइंट अंकुश जूनियर के हैं। तो पूरे अगर टूर्नामेंट में आप देखें इन दोनों टीमों के प्लेयर्स को कंपेयर करें तो आपको अंकुश जूनियर और अर्जुन देशवाल सबसे ऊपर मिलेंगे। तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के बेस्ट पे ये लोग होंगे और बाकी फॉर्म वाली टीम इस टाइप से बनेगी। तो टोटल मैंने चार टीमें आपके लिए बना दी हैं, इन्हीं चार टीम से आपको अपनी 8 और 16 टीम बनानी है ताकि आप बेस्ट विन कर सके। इन चार टीमों से आप एवरेज विन करेंगे, हो सकता है अच्छा भी कर जाएं, बट आपके चांसेस तभी बढ़ेंगे ग्रैंड लीग विन करने के जब आप इन्हीं टीमों में थोड़े थोड़े चेंजेस करके आगे बढ़ेंगे। किसी टीम में संदीप को ले लिया, किसी टीम में आप सुधाकर एम को ले लें, किसी में मंजीत को ले लें, कुछ ना कुछ चेंजेस तो आपको करने पड़ेंगे तभी तो आप ग्रैंड लीग में ऊपर पहुंचेंगे। तो ये मेरी टीम थी और मैंने आपको सबको समझा दिया, आई होप आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। अगर चीजें आपको ठीक से समझ में आई है तो प्लीज एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।